नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण इसरो और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। नया साल, नई उमंग और नया जोश। नए साल का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और वृषभ राशि वालों को तो खासकर बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि उनके लिए 5 बड़ी भविष्यवाणियां होने जा रही है जो उन्हें विशेष लाभ देगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुरु जी मानेन्द्र जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी वृष राशि के श्रोताओं। गुरु जी, हमारे दर्शकों को बताइए वो 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो उन्हें विशेष लाभ देने जा रही है। देखिए, वृष राशि जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, दैत्य गुरु शुक्र होते हैं, ज्ञानी ग्रह होते हैं, जिनके पास ज्ञान का भंडार है, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। आखिर क्या होगा वर्ष 2024 में, एक उत्सुकता होगी जानने की। तो सबसे पहले तो बधाई देता हूं कि आपका ये वर्ष बहुत अच्छा रहे। अब आपसे बात करता हूं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स की, क्योंकि हमारे को सीमित समय में अपनी पूरी बात को रखना है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि दोस्तों, वर्ष की शुरुआत आपके लिए बड़ी बेहतरीन रहेगी, और शुरुआत अच्छी हो तो समय ज्योतिषीय गणना के हिसाब से ठीक निकल जाता है और भी ग्रहों का रोल रहेगा। जैसे स्टार्टिंग में ही शुक्र और बुध की युति रहेगी आपके 7th हाउस पर, और खुद वृष राशि को ये दोनों ग्रह ज्ञानी ग्रह इंटेलिजेंट ग्रह देखेंगे, यानी कि फुल ऊर्जा के साथ एनर्जी के साथ ये वर्ष आपके लिए शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। अब अगर हम बात करें शुक्र के मित्र शनि की, जिसका बहुत बड़ा रोल रहता है और जिसके द्वारा हम डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि शनि ना टेढ़ा हो बस इस साल में, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि शनि आपके भाग्य के स्वामी होकर के आपके कैरियर के घर में पूरे वर्ष 2024 में रहेंगे, यानी कि भाग्य का और कर्म का संबंध बन गया। देखिए कितना सुंदर योग बन गया कि दो सुंदर मतलब स्थानों का आपस में योग बन गया, एक शश राजयोग बन गया। तो ऐसी स्थिति में कैरियर 7वें आसमान पर रहेगा, भाग्य 7वां आसमान पर रहेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट की, तो मैं बोलूंगा आपके लिए फरवरी का महीना लिटरली बहुत अच्छा रहने वाला है। फरवरी के बाद मार्च का महीना बहुत अच्छा रहेगा, और जून के महीने में तो एक मालव्य नाम का बड़ा जबरदस्त महापुरुष राजयोग भी बनेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ग्रह स्थिति अच्छी है। अब यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गुरु का रोल हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है, बिना गुरु के गति नहीं है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को आपकी राशि के अंदर आ रहे हैं, पूरे 12 महीने के लिए आ रहे हैं, आपके शरीर पर आकर के बैठेंगे, आपको ज्ञानी प्रवृत्ति देंगे, इंटेलिजेंट बनाएंगे, आपको दार्शनिक बनाएंगे, लॉजिकल बनाएंगे, और आप चीज़ों को बहुत डीपली एनालिसिस करोगे। ऐसा सुंदर ग्रह योग आपकी राशि के अंदर बनेगा और बहुत शुभ रूप में बनेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपको चिंता वाली बात नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा, और ये आगाह करने के लिए कि शनिदेव की नीच दृष्टि मेष राशि पर रहेगी और आपकी वृष राशि से 12वें भाव पर रहेगी, यानी कि खर्च के घर पर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में इस वर्ष आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, पर ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शनि का एक केंद्रीय प्रभाव आपकी वृष राशि पर आ रहा है। तो ये है आपके लिए पूरे वर्ष 2024 का फल वृष राशि का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यानी साफ है कि नया साल वृषभ राशि वाले के लिए भी अच्छा रहने वाला है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए उमंग लेकर आए। तो गुरुजी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जागरण एस्ट्रो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये खास कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।